क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अग्रणी बनाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास। अभी हमने देखा कि कोविड महामारी के दौरान काफ़ी समस्याएं आई, इसमें हमारे युवाओं ने, छात्रों ने भी और समाजसेवियों ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि सभी लोग कोविड का टीका जरूर लगवाएं, आगे बढ़ के लगाएं, अपने भी लगवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें लगाएं, जिससे कि हम जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से निजात पा सकें और पुनः एक साथ होकर आगे अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। युवाओं से विशेष रूप से ये जो निवेदन है कि वह अपना स्वार्थ को ध्यान में न रखते हुए, स्वार्थ से परे हटकर देश की सेवा के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ें। ये देश सेवा या देश के पथ पर ले जाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए ये एक यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में मैं सबका आह्वान करता हूँ कि अपनी अपनी आहुति जरूर दें। पुनः मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को, विशेष रूप से जमशेदपुर के सभी निवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई एवं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम आपस में प्रेम भाईचारा बनाकर अपना सर्वोत्तम जो भी ईश्वर ने दिया है इस पावन धरा पे आने के लिए, वो सर्वोत्तम हम अपना देंगे। इस अवसर पर मैं दो पंक्तियां जो कि मेरे एक मित्र ने लिखी थी इस देश के बारे में कि हम क्या हैं और क्यों देश में जन्म लेने के लिए देवता भी जो ये कहते हैं कि सब लोग इस देश में आना चाहते हैं जन्म लेने के लिए, तो ये शायद हम सभी की कामना होगी इस जन्म इस धरती पे आने के लिए ईश्वर से, कि कोई तो जगह होगी इस जहां में ऐ प्रभु जहां हर कोई खुशहाल हो, पीड़ित रहे कोई नहीं, लेके चल मुझको वहीं जहां प्रेम का संचार हो, ना करे ईर्ष्या कोई सबके दिलों में प्यार। आइए हम सब इस कामना के साथ जहां केवल प्यार और प्रेम का संचार हो, एकता की भावना हो, देश को आगे बढ़ाने की भावना हो, उसमें हो, इसके लिए अपनी अपनी आहुति दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।